गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव 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 गांधी अमर रहे। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के 75वें जन्मदिन पर हम सभी कांग्रेस के परिवार के साथी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ये प्रण करते हैं कि राजीव गांधी जी के बताए मार्ग पर हमें चलना है। जिस तरह उन्होंने कितनी सहजता से देश को चलाया था, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस देश के हुए। आज जिस तरह से इतिहास को मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि राजीव ने जब हिंदुस्तान की कमान संभाली थी, वो सिर्फ एक बड़े परिवार से थे, कांग्रेसी परिवार से थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई दूर तक भी कोई नाता नहीं था। वो एक पायलट थे और ऐसी सिचुएशन में जब इंदिरा जी का देहांत हो गया तो उनको आना पड़ा अपनी जॉब छोड़ के। देश हित के लिए उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ा और देश की कमान संभाली। सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री बने उस समय। आज की जो बीजेपी है, इससे भी ज़्यादा की हमारी सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, उसके वो प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने अपनी जान देके, जान के अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े इस देश पे निछावर किए हैं। मैं शत शत उन्हें नमन करते हैं, पूरे कांग्रेस परिवार और हम सभी लोग शत शत उन्हें नमन करते हैं और यही आग्रह करते हैं कि उनके बताए हुए हम मार्ग पर चलें, ताकि ये हमारे राजीव गांधी जी का 75वां जन्मदिन पे पुष्प अर्पित किए गए। कांग्रेस के सभी नेतागण ने उनके सभी युवाओं को, पूरे देशवासियों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई। सबसे बड़ी बात है, वो सबसे एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति ला दी। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वोट का अधिकार और बैंकों का सशक्तिकरण, वो सबको उनने, राजीव गांधी जी ने अपने टाइम पे लाया और युवाओं को एक ताकत दी कि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण करें 18 साल की उम्र में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ऐसी एमरजेंसी जो जम्मू कश्मीर में लगी है, कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और जो इसका हनन है, हम लोगों को ये अपने युवाओं को और बच्चों को ये मार्ग जो अपने राजीव गांधी ने निर्देश और दिशा बताई थी, आज वही उनकी शिक्षा पे हम युवाओं को बोल ये कहेंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलें और उनको याद करते हुए हम फिर से पूरे कांग्रेसी जिला कांग्रेस कमेटी उनको पुष्प पर श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत।